जो भाई इसराइल जाने वाले हैं, इसराइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। काफ़ी भाई हमारे कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, भैया हमें इसराइल के लिए वांट बताइए। ठीक है, तो ये वांट जो भी है मुंबई के लिए है, और ये जो है इंटीरियर डिजाइनिंग शॉपिंग मॉल में काम करने हैं। मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, यहाँ पे शो भी कराएंगे। और अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि एशिया पावर से जो भी हमें, एशिया पावर यानी कि कहीं का भी ब्रांच हो, यानी कि दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, चेन्नई का हो, या बड़ौदा का हो, या केरला का हो, जहां का भी जो भी उसमें वांट आएंगे वो सभी हमारे पास पता चलेंगे। क्योंकि मैंने अभी वो लिंक पता कर लिया है कि उसमें जो भी जिस कैटेगरी का भी, जिस कंट्री का भी उसमें वांट आएगा, ठीक है, जिस माध्यम से भी, तो हमें पता तुरंत चलेंगे। और जिसका भी मतलब आप लोग जैसे बताते हैं कि हमें इसराइल जाना है, तो इसराइल के लिए जो भी कैटेगरी रहेंगी, जिस कैटेगरी में, स्टील फिटर से या जिस माध्यम से भी, मैं आपको हर वो चीज़ बताता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोगों को जो भी अपडेट आएंगे वो तुरंत आपको मिलेंगे। अभी का जो ये रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये है इसराइल के लिए, और इंटीरियर डिजाइनिंग शॉपिंग मॉल में आपको काम करने हैं। काफ़ी भाई हमारे मुंबई से ऐसे हैं या कहीं पर भी, ठीक है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, हैदराबाद में भी बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं, बहुत आर्टिस्ट जो कि मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी में मूर्ति, लकड़ी का मूर्ति बनाते हैं, कार्बिन करते हैं। कार्बिन करने वाले लोगों की जरूरत है, कार्बिन करने वाले लोगों की जरूरत है। और ये चीज काफी ज्यादा सहारनपुर में और मुंबई में और अपने यहाँ लखनऊ में भी, दिल्ली में भी बहुत सारा चीज देखने को मिलता है ये चीज, ठीक है, कि कार्बिन करने वाले लोग भाई हमारे बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोग भी जानते होंगे लकड़ी में जो कार्बिन किया जाता है बेड में, या ज्यादातर बेड में कार्बिन तक सिरहाने के जो तौर पे होता है वो, उस पर कार्बिन किया जाता है, वो लोग चाहिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्कल्पचर आर्टिस्ट, यानी कि मूर्ति बनाने वाले, कार्बिन आप करते हैं तो आप आराम से इसमें लग सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ, कहाँ पे इसका वांट आया हुआ है, कितना इसमें चार्जेस हैं, कितना इसमें पैसे मिलने हैं, सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये चीज मुंबई में है। जो भी भाई मुंबई में होंगे या बाहर, मुंबई के बाहर से भी होंगे, तो मुंबई में जा करके इस वांट को, इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शॉर्टलिस्टिंग प्रोग्रेस में है, ठीक है, ये एशिया पावर के ऑफिस में आया हुआ है, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफिस मॉल होटल, यानी कि ऑफिस में, मॉल में, होटल के बाहर जो मूर्ति बना करके रखा जाता है, उसी का काम, उन्हीं लोगों का काम है। यानी कि मूर्ति बनाएंगे और वो मूर्ति होटल में, शॉपिस में रखा जाएगा, मॉल में, ऑफिस में, होटल में, या शॉपिंग मॉल में, या कि कहीं पर भी जो शॉपिस में रखा जाता है वहां पर वो रखाएगा, ठीक है। इसके लिए सैलरी वेज इन एकोमोडेशन विद ए लॉ ऑन द सेफ्टी प्रेफरेंस विल बी विद नॉट बी लेस देन, लगभग आपको 13,617 INS ग्रेस 182, यानी कि 182 दिन वर्किंग डेज, जो 182 वर्किंग डेज का जो सैलरी मिलेगा वो 13,617 INS मिलेगा, ठीक है। दोस्तों इसमें वीजा कितना दिन का लगेंगे, और इसमें कौन कौन सा और भी जो भी चीजें हैं, कितना दिन का वीजा लगेंगे, क्या चीजें इसके बारे में, जो भी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। तो परफॉर्मेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपका इंडिया का आपका पास है तो ये कंपनी मांगी हुई है, कि हो सकता है उसको आपके, आपको गाड़ी दे या लाइसेंस के तौर पे जो भी आपसे काम कराए, ठीक है, हो सकता है आपसे ड्राइविंग कराए इसके लिए, ठीक है। परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, जब काम कराया जाएगा, देखा जाएगा, तो आपको काम पूरा मतलब आना चाहिए, काम मतलब लगभग आप काम कर सकें उस हिसाब से आना चाहिए। इम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड बाई 1/1/2026 तक आपका वीजा लगेंगे, 2026 तक आपका वैलिड परमिट आपको इजराइल में दिया जाएगा, उतने दिन आप उतने दिन के लिए आपका वीजा लगेगा, 63 मंथ का लगेगा लगभग, इसमें लिखा हुआ है विद इन ऑप्शन ऑफ 63 मंथ, वर्किंग डेज 5 से 6 दिन आपका ड्यूटी रहेगा वीकली, एक हफ्ते में 5 से 6 दिन का आपका ड्यूटी रहेगा, वर्किंग आवर्स रहेगा, यानी कि जो घंटे में काम करना होगा वो 10 से 12 घंटे का काम रहेगा, 5 से 6 दिन का काम रहेगा, 10 से 12 घंटे का काम रहेगा, यानी कि सुबह में अगर 8 बजे का काम करते हैं
6 बजे तक या जितना भी होगा, लेकिन 10 से 12 घंटे का काम आपको रहेगा एक दिन में, ठीक है। वर्क इन शॉर्ट लिस्टिंग इंटीरियर विल बी हेड ऑफ बिटवीन 10 to, यानी कि इसमें जो इंटरव्यू के बारे में बताया है दोस्तों, ये मुंह से पूछ करके आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि वॉल्क इंटरव्यू है। वॉल्क इन शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू विल बी हैड बिटवीन 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा, मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक। ये वॉल्क इंटरव्यू का मतलब हो गया कि आपसे बात में, यानी कि काम नहीं करा करके आपको बातों से इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। आपको बुलवा करके लिया जाएगा कि आप कहाँ पे काम किए हैं, कितने से काम किए हैं, कौन कौन सा टूल्स लगता है, ये सभी चीज़ें आपसे पूछा जाता है। उसके बाद से दोस्तों लिखा है इसमें, इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफिस एंड वॉल्क इंटरव्यू एलोंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन बायोडाटा पासपोर्ट। इसमें जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं, जो जैसे कि मान के चलिए हाँ हम जाने के लिए रेडी हैं, वैसे अगर कोई भाई हैं तो ये अपना बायोडाटा कभी भी लेकर के जा सकते हैं एशिया पावर के ऑफिस में जो मुंबई में रहते हों, ठीक है। मुंबई के ऑफिस का एड्रेस भी मैं बताऊंगा और इसका मेल भी मैं बता दूंगा, तो आप अगर दूर हैं तो मेल कर सकते हैं, आपको मेल करेंगे तो आपको कॉल्स आ सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, बायोडाटा, आप पासपोर्ट अपना लेकर के ऑफिस में आपको जाना है। उसके बाद से इसमें एड्रेस लिखा हुआ है कि एड्रेस कौन सा है, तो इसमें एड्रेस है गाला नंबर 12, बिजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑपोसाइट सुमन नगर, सियोन थॉर्नबे रोड, चैम्बूर, मुंबई 71। ईमेल है माधुरी@asiapower। ठीक है दोस्तों, तो ये मेल है और काइंडली सबमिट योर बायोडाटा डॉक्यूमेंट। इसमें अपना जो भी बायोडाटा है, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो चीज़ें इसमें मेल कर सकते हैं। और मेल करने से भी बहुत बेटर, आप अगर ऑफिस में चले जाएं तो इजराइल के लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। आप जा सकते हैं और बहुत अच्छा खासा सैलरी है, लगभग 2026 तक आप लोगों का वीज़ा लगने की इसमें परमिट दिया हुआ है। तो जो भी भाई इजराइल जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए चीज़ें हैं। उसके बाद मैं इस वीडियो में आप लोगों को और भी बहुत सारा चीज़ बताऊँगा जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लगभग बहुत भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारे पास CV अपना भेजे हैं, CV भेजे हैं, ठीक है। मैं आप सभी का CV इस्तेमाल हिफाज से रखा हूँ, और उस CV जो भी आप लोग का है, जब भी मैं इजराइल के लिए चेन्नई में, क्योंकि मैं अभी चेन्नई में हूँ, तो मुंबई के लिए अगर होगा, मुंबई से अगर होगा इजराइल का इंटरव्यू, या चेन्नई से होगा, या कहीं से भी होगा, मैं आपको तुरंत वीडियोज़ के माध्यम से बताऊँगा। और चेन्नई से अगर होगा मैं तुरंत आपका मेल करूंगा वहां पे, और वहां पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग करा दूंगा, इतना मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप लोग वहां से यहां आना है तो आप लोगों को टिकट या आप लोग जिस माध्यम से भी हो सके यहां पे आप लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहां पे होगा क्लाइंट इंटरव्यू होगा तो यहां पे मौजूद आप लोग रहना पड़ेगा। अपने यहाँ UP बिहार जो भी भाई हमारे पास जो CV भेजे हैं उन लोगों को आने में यहाँ पे तीन दिन अलग लगते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, जो बहुत भाई हमारे आए भी हैं, चेन्नई में काम भी किए हैं। जो लोग चेन्नई में मौजूद हैं उन लोगों के लिए बहुत बेटर है, जो लोग हमारे भाई जो घर पे हैं चेन्नई में रहते हैं, वो हमारे भाई चेन्नई में आकर के अपना पासपोर्ट अपना बायोडाटा लेकर के रहें तो बहुत बेटर है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने के लिए ज़रूरी था कि जो भाई हमारे चेन्नई में रहते हैं वो बाय द वे घर पे गए हैं, जैसे मान के चलिए आदमी रहता है घर पे चला जाता है तो घर पे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं। आप यहाँ चेन्नई में मौजूद रहें, आप चेन्नई में रहेंगे तो आप लोग को यहाँ से ले जाने में, आपको बुलाने में, आपको कॉल करने में, आपको रिसीव करने में हमें टाइम नहीं लगेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ऑफिस से कॉल आता है कि भैया कल इंटरव्यू है, तो एक दिन पहले अगर आता है या दो दिन पहले भी आता है तो आपसे छूट सकता है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग चेन्नई में रहें, ठीक है। लगभग चेन्नई में अगर हमारे पास रहते हैं या यहाँ पे मौजूद रहते हैं तो मैं आपको रिसीव करने में देरी नहीं लगेगी, और चेन्नई में आप कहीं पर भी रहते हैं तो हमें आपको ढूंढने में, आपसे बात करने में, आपको ले जाने में हमको आसानी रहेगा, या आपको भेजने में भी हमें काफ़ी ईजिली रहेगा, क्योंकि चेन्नई के बारे में हमें हर चीज़ पता है, हर चीज़ कौन सा एरिया कहाँ है, कौन सा बस पकड़ना है, कौन सा कहाँ जाना है। मुंबई में आप लोग रहते हैं तो मुंबई में हमें हर चीज़ पता नहीं, मुंबई के बारे में भी पता है, मुंबई में भी हम रहे हैं, लेकिन इतना आसान जो यहाँ पे है या इतना आसान हमें मुंबई में नहीं लगता, क्योंकि मुंबई के बारे में उतना हमें नहीं पता, ठीक है, कि कौन सा बस पकड़ना है, कहाँ जाना है,
वैसे तो आपको जाने के लिए आने के लिए पूछ करके आदमी ट्रेन से जा ही जाता है, लेकिन आसान यहाँ पे चेन्नई में। तो जो लोग चेन्नई में, चेन्नई से बाहर रह रहे हैं, घर पे गए हैं किसी काम की वजह से, तो अपना काम कर खत्म करके आप लोग चेन्नई में आ जाएं, क्योंकि इसराइल की जो वांट है वो बहुत जल्द एशिया पावर के ऑफिस में आने वाला है। ठीक है, अभी अभी बीते हैं, जब जैसे उन लोगों का सबका फ्लाइट होगा तुरंत शॉर्ट लिस्टिंग चालू होगा इसराइल का, तो आप लोग मौजूद रहें। ठीक है, बाकी जो भी भाई लोग होंगे वो कैसी भी करके अपना, जब मैं टाइम बताऊंगा आप लोग को, तो आप लोग को यहाँ पे मौजूद रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को जो भी भाई आर्टिस्ट हैं, जो भी माई मूर्ति बनाते हैं, जो भी गाय कार्विंग करते हैं, वो मुंबई में, मुंबई के एशिया पावर के ऑफिस को कॉन्टेक्ट करें। यहाँ पे जो आप लोग एड्रेस देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सक रहे एशिया पावर के ऑफिस को जा सकते हैं। आप लोग को नहीं पता तो आप लोग गूगल में लोकेशन में आप लोग एशिया पावर मुंबई का भी डालेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से आप लोग जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।